हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीपीला ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको एक वो लेक्चर पेश कर रहा हूं जो यूपीपीसीएस जे 2023 मेंस के लिए मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया है। इट मींस आई एम शेयरिंग अ रिकॉर्डेड लेक्चर व्हाट आई हैव टॉट टुडे इन स्पेशल बैच फॉर मेंस यूपीपीसीएस जे 2023। आप इस क्लास को देखिए और सोचिए कि अगर सन 2000 से 2018 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे और पूरा क्या रिवीजन नहीं हो जाएगा। इसके अलावा इस क्लास में क्वेश्चन का आंसर भी लिख कर चेक करने के लिए कहा जाता है कि आप आंसर लिखिए और मुझसे चेक करवाइए। तो आप आज की क्लास को देखिए, रिकॉर्डेड वर्जन है क्लास का। मैंने इसका कुछ पार्ट आपको दिया है, क्लास तो 1 आवर मोर की थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा पार्ट इसका काट करके आपके लिए यहां प्रस्तुत किया है, आप देखिए इसको। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन पीपीला ऑनलाइन क्लासेस। वी आर डिस्कसिंग ऑन द क्वेश्चंस asked on law of evidence in the previous examinations of UPPSC. Today we have to discuss question paper of 2030. Though we have discussed some of the questions in this paper, question number 5 ABC we have discussed. Okay. Today we have to discuss from question number 6. आपको पता है कि PCSJ में सेकेंड पेपर जो लॉ का सेकेंड पेपर, उसमें ए बी सी तीन ग्रुप्स होते हैं। तीन ग्रुप्स में तीन क्वेश्चन होते हैं। उन तीन में से कोई एक करना मैंडेटरी है, रेस्ट आप मैक्सिमम दो कर सकते हैं, क्योंकि फिर दूसरे ग्रुप से भी करने होते हैं। आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस सीआरपीसी तीनों से होते हैं ना। सो यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम टू मिनिमम वन क्वेश्चन। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो ए बी सी करके होते हैं। सो इट माइट बी दैट यू आर कॉम्पिटेंट टू राइट डाउन अ साउंड आंसर ऑफ वन पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन बट नॉट ऑफ द अदर पार्ट्स। एंड एट द सेम टाइम यू हैव साउंड ग्रिप ऑन some parts of other question, but you are not competent to write down answer of the other parts of that question. So it is a challenge, and so why it is suggested that you have to prepare yourself for the entire act, for the entire law. पूरे अधिनियम पूरे संहिता पर आप पकड़ बनाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। एबीसीडी करके पूछ देगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप देखिए यहां पे दो क्वेश्चन है, जरा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषाधिकार संसूचनाएं कौन सी हैं? ऐसी संसूचनाओं का प्रकटीकरण कब संरक्षित है कब नहीं? व्हाट आर द प्रिविलेज कम्युनिकेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड व्हेन सच कम्युनिकेशंस आर प्रोटेक्टेड टू बी डिस्क्लोज्ड एंड व्हेन नॉट। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा जरा देखिए, एकदम अलग है। वादी की प्रार्थना पर एक व्यक्ति को न्यायालय में किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित किया जाता है। जब वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर मांगा गया दस्तावेज पेश करता है, तब प्रतिवादी का अधिवक्ता उससे प्रश्न पूछता है कि उक्त दस्तावेज को उसके कब्जे में वादी द्वारा किया गया था अथवा प्रतिवादी द्वारा। वादी के वकील द्वारा उससे प्रश्न पूछने के प्रतिवादी के अधिकार पर आपत्ति की जाती है, निर्णय की। अब ये क्वेश्चन कहां का है? ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कितना अंतर है? ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स पे। ये किससे है बता सकते हैं? अगर हिंदी ना समझ में आ रही तो मैं इसकी इंग्लिश पढ़ दूं या दिखा दूं? On the application of the plaintiff, a person is summoned in the court to produce a document. When he appears before the court and files the document, the defendant's counsel puts a question to him whether the document was given in his possession by the plaintiff
or by the defendant. The plaintiff's counsel opposes defendant's right to putting such questions to him. Decide. अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पर है और ये क्रॉस एग्जामिनेशन पर है. नेक्स्ट अगला, डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द एविडेंस एक्ट व्हिच एम्पावर्स द कोर्ट टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस टू हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी टू व्हिच सच बैरिस्टर प्लीडर वकील और अटॉर्नी इज सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन. ये क्वेश्चन सेक्शन 149 और 150 पर है. तो जरा देखिए, ये क्वेश्चन आपका है चैप्टर 9 से, ये दोनों चैप्टर 10 से हैं जिसमें सेक्शन 139 से है और ये 149 150 से. तो आप ये नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किसी एक टॉपिक से ही आएंगे या रिलेटेड टॉपिक से, ऐसा नहीं. वो कहीं से भी पूछ रहे हैं. ये इसको टफ बनाने के लिए उसको तीन पार्ट में बांट दे रहे हैं ताकि आपको अगर तीनों में से कोई दो आए और एक ना आए तो क्वेश्चन छूटे. यू हैव नो ऑप्शन टू अटेम्प्ट सम पार्ट्स ऑफ वन क्वेश्चन एंड सम अदर सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अदर क्वेश्चन. नहीं, ये आपको अलाउड नहीं है. तो इस नाते जुडिशियरी में पीसीएसजे में ये टफ हो जाता है कि क्लॉजेस दे देते हैं, उसको पार्ट्स में बांट देते हैं, तो आपको पूरा पेपर तैयार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव यू कांट सक्सेस. सो अब इन क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं. बताइए ये क्वेश्चन कहां कहां से है. दिस क्वेश्चन लेट मी डिस्कस इन इंग्लिश बिकॉज यू ऑल आर ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड इफ नॉट देन यू आर इवन देन यू आर कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. ये दिखाई दे रहा है बोर्ड और हम बड़ा करते हैं इसको. जी सर. क्या ज़ूम कर दो थोड़ा. ज़ूम हमने कर दिया और ये है क्वेश्चन. व्हाट आर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस अंडर द एविडेंस एक्ट व्हेन आर सच कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर व्हेन नॉट. सोचिए एक साथ सब कुछ दिया. व्हाट आर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस अंडर द एविडेंस एक्ट and when are such communications protected from disclosure and when not from disclosure. ab isme humko agar aapne ye padha hai to aapko aa raha hoga aur aapko aana hi chahiye kyunki aap crash course mein hain mains mein hain. to bataiye ki agar ye question aa raha hai privileged communication par then under which sections communications has been privileged and it is protected from disclosure and exceptions there are. कौन कौन से sections का उल्लेख करना होगा इस question में. 20 marks का है question. किन किन sections का उल्लेख करना पड़ेगा. जो 120 से लेकर 129 तक. No. There are two types of communications. There are two types of privileges. And both are not called as privileged communications. Privileged communication means a fact in form of communication. That is privileged communication. If it is a fact known to a person, and it's up to him to disclose or not, that is not communication. It is privilege. It is witness privilege. So a communication is privileged. It is said then a fact comes into knowledge of the witness through communication by other person and it is protected. समझिएगा, जैसे जब कभी थर्ड पर्सन का प्रिविलेज है, देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेज ऑफ विटनेस, प्रिविलेज ऑफ थर्ड पर्सन, है कि नहीं बताइए. ये पता है कि नहीं है. प्रिविलेज ऑफ विटनेस, आई एम अ जज, आई एम मजिस्ट्रेट, I observe a fact being a judge or magistrate, it's up to me to disclose it in court or not. It's up to me. So it is my own privilege. It's not privileged communication. It's my own privilege. Samjha rahi baat hai? Ji. While I am being asked to disclose that what my wife has said to me, it's not up to me to disclose or not. No, it's up to her because it's her right
to allow me or not. If she doesn't allow me, then I can't disclose that what he has said to me. So there are two facts. The first, when you ask, when it is asked to me in court, that what I have observed as a judge or magistrate, then it's my own privilege to disclose it or not. I can't be compelled, but I would be allowed. मुझे विवश तो नहीं किया जाएगा लेकिन मुझे अनुमति दी जाएगी. इफ आई विल स्पीक देन आई वुड बी अलाउड. इफ आई विल डिस्क्लोज आई वुड बी अलाउड. बट तो ये कहां है 121 की बात हो रही है ना सत्यम, कहां की बात है ये? बीइंग जज या मजिस्ट्रेट प्रिविलेज कहां है? यू आर म्यूट. फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ. Sorry, sir, section 121. So it's up to you, though you have perceived the fact being a judge or magistrate, and it is being asked to you that kindly tell the court that what have you observed being magistrate or judge. Then it's up to you to disclose or not. But agar aapse poocha jaye that what your wife has said to you, then it's not up to you to disclose or not. Here, if you will speak, you will not be allowed to speak because it is privileged communication. So here, under section 121, it is privilege of the witness to speak or not, while in section 122, it is privilege of the third person to allow the witness to disclose the communication, what he has given or she has given or not. So privileged communication means the communications which are subject to privilege of a third person. Unless he or she allows the witness will not be allowed to disclose such communication. And if he or she discloses in court, then court shall not take into consideration. वो अपना कान बंद कर लेंगे. पहले आपका मुंह बंद करेंगे, आप तब भी अगर बक भी गए कुछ तो कान बंद कर. हमने नहीं सुना. Such as communication by an accused person or a client to his advocate. This is privileged communication. और इसमें तीन चीजें केवल आती है. So privileged communication में केवल तीन है. पति पत्नी के आपस के वार्तालाप, वकील और उसके क्लाइंट के वार्तालाप, लेकिन वो केवल क्लाइंट के फेवर, वकील के फेवर में नहीं. और तीसरा गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय तथ्य, राज्य के गोपनीय सूचना, द सीक्रेट, द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, स्टेट अफेयर्स. ओके, ये तीन ही तो है. कुछ समझ में आया? यस सर. लेट मी वेट मी. So privileged communication means the communication given by a person to accused, to the witness, which is under privilege of the person who has communicated that. Okay, और then फिर उसका exception आप लिख लेंगे. Exception में 122 का simple two exception कि जबकि मुकदमा उन्हीं दोनों के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, और या कि फिर जो statement maker है वो allow कर दे दूसरे. ठीक है, ये दो है ना मां, सिंपल आपने लिख दिया. एडवोकेट की बात करेंगे, क्लाइंट की, तो वहां तीन अपवाद है, दो अपवाद वहां भी है, या तो अलाउ कर दे और या कि वो पोस्ट फैक्ट हो, कंसल्टेशन के बाद का फैक्ट हो,
दो या तीसरा कि वो कोई प्लान करने आया हो, एडवोकेट से पूछने आया हो कि इफ आई वुड मर्डर हिम देन हाउ कैन यू डिफेंड मी, तो ये बात प्रिविलेज नहीं। हमेशा पास्ट फैक्ट पर, हैपेंड फैक्ट पर आप एडवाइस लेंगे तो वो प्रिजर्व होगा, फ्यूचर फैक्ट पर लेंगे कोई प्लान बनाने के लिए तो प्रिजर्व नहीं। ठीक है, तो तीन अपवाद यहां है और राज्य की संसूचनाओं के कोई अपवाद, वो जो गोपनीय है वो गोपनीय, उसका कोई अपवाद। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? तो आपको इसमें लिखते समय कैसे फ्रेम करना है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन मीन्स अ कम्युनिकेशन विच इज अंडर प्रिविलेज ऑफ द कम्युनिकेटर when the person to whom he has communicated is called as witness, the witness can neither be compelled nor allowed to disclose such communicated facts, such communication, because the communication is privileged and the privilege is vested into the person who has communicated. There are three kinds of communication fallen into category of privileged communication. Communication between husband and wife under section 122. Communication, secret communication of state affairs to any public servant, public officer, and communication by a client to his advocate. थोड़ा आप इसको describe कर देंगे तीनों को 122 में जो है, अब आपको पता ही है, फिर इसके बाद आप इसकी एक्सेप्शंस एक एक करके लिख देंगे या जब डिस्क्राइब करेंगे तभी उसके एक्सेप्शंस लिख देंगे, यही बात ही पूछ रहे हैं। नहीं यार सर आप गलत लिख रहे हैं, 122, 123, 126 तीनों लिखना पड़ेगा। But basically 126. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलें। On the application of the plaintiff, वादी के आवेदन पर, a person is summoned in the court to produce a document. एक व्यक्ति को न्यायालय में दस्तावेज पेश करने के लिए समनित किया जाता है। When he appears before the court and the files and produces document, जब वो न्यायालय में आता है और वो दस्तावेज पेश करता है, the defendant's counsel puts a question to him, तब प्रतिवादी यानी विपक्षी वकील उसे प्रश्न करता है, क्या करता है? Whether the document was given in his possession by the plaintiff or by the defendant, कि वो दस्तावेज उसे वादी द्वारा दी गई थी या प्रतिवादी द्वारा। द प्लेंटिफ्स काउंसिल अपोजेस डिफेंडेंट्स राइट ऑफ पुटिंग सच क्वेश्चंस टू हिम। वादी का अधिवक्ता जो है वो इस प्रतिवादी द्वारा प्रश्न किए जाने के अधिकार पर सवाल उठाता है, यानी सवाल करता है कि तुम कैसे कर सकते हो, यू हैव नो राइट डिसाइड। इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड। कौन सी धारा लगेगी सर? 139 यस, व्हाट 139 में क्या कहा गया है? सर व्हेन अ पर्सन इज समन्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ही इज नॉट बिकमिंग विटनेस एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड। यस, सो व्हाई अंडर सेक्शन 139 cross examining is prohibited because he is not a witness. So when a person is summoned just for producing a document, then he is not a witness. When he produces it, he doesn't become a witness and then he can't be cross examined. 139 ka defense dena, soche kitna saral prashn hai, aapko iska uttar dena kahin bhi takleef de nahi, kitna saral hai section agar pata hai तो
कभी भी ये मत सोचिए कि किसी प्रश्न में हम कुछ ऐसा बना के लिखें कि दुनिया चकित हो जाए, चकाचौंध से भर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये सर 162 में भी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है सर। दैट इज अनदर थिंग। व्हेन यू आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट यू आर अ पार्टी। 162 to 164 are applicable to parties, not to another person. Okay? Okay, sir. And when a person, when a party is asked to produce a document, but he doesn't produce that, then after that, he can't produce the document in his own favor. Simple si baat waha kahi thi. Woh ye nahi. Yahan sawal do hai. Aap dekhiye agar iske samajh gaye honge waise. Yahan do baatein nikal ke aa rahi hai. एक तो कि वो उस पर्सन से डॉक्यूमेंट मंगाया गया है। सो व्हेन अ पर्सन इज कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इट इज सेक्शन 139 नॉट अ पार्टी। पार्टी अगर कॉल की जाएगी तो 162 है। और वहां वो नहीं पेश करता है तब की बात, यहां वो पेश कर रहा है तब, जब पेश करेगा तो 162 लागू ही नहीं करेगा तो इंपैक्ट क्या होगी 162 तब लागू होगी, वो भी पार्टी के। ठीक है, तो दोनों का कंपेयर कर लीजिए। Must compare the both sections 139 and 162. 139 is applicable only to a witness who is not a party, and even a party, but who is not called as a witness. ध्यान समझिए, अगर आप party भी हैं, but अगर आप अपने को as a witness पेश नहीं कर रहे, you can't be cross-examined because you are not a witness. Only witness can be cross-examined. When a party is examined as a party, he is not cross-examined. He can't be cross-examined. He is examined by the court himself, but not by the parties. ये बात समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि CPC भी तो पढ़नी है। जब पार्टी को पार्टी के तौर पे एग्जामिन किया था, पार्टी दो रूप में एग्जामिन होती है। कोई भी पक्षकार की दो हैसियत होती है एग्जामिन होने की, परीक्षा होने की, एज ए पार्टी एज ए विटनेस। No party can be examined as a witness unless he produces himself as a witness or unless he is called as a witness. Produces का मतलब अपने खुद पेश कर दे, और called का मतलब उसको कह दिया जाए कि नहीं तुम witness बनोगे, लग रहा है court को कि नहीं ये witness बनाया जा सकता है, इसी के इच्छा के खिलाफ भी उसको witness बनाया जा सकता है ना। A person may be compared to a witness. Yes. तो unless a person is called as a witness, he can't be cross-examined. The protection is given under Section 139. And this can be raised by the counsel who called the witness, the person. Okay? Yeah, yeah. Very simple. एक धारा इसमें और भी मैं सोच सकता हूं, लेकिन उससे कोई करेक्शन नहीं। ये क्या 65 65 में कोई सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जाता है, लेकिन वहां से जुड़ेगी वो एक अलग चीज है। तो इस नाते आप लोग सिंपल 139 से क्वेश्चन सोचिए। 139 को हम लोग प्री से ज्यादा कुछ समझते नहीं। वी ऑलवेज टेक सेक्शन 139 दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली, इट कांट बी एज इमेंस, बट हियर इट हैज बीन एज इमेंस। इसी नाते मैं कहता हूं कि पूरा ही आपको तैयार करना पड़ेगा। सर वही सोच रहा था कि सर इसको 10 मार्क्स में लिखना हो तो बस मतलब काफी छोटा होगा मटेरियल लिखने। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आपको ये नहीं सोचना है कि प्रश्न का उत्तर बड़ा है या छोटा है, आपको धारा और उसका तर्क लिखना है। आप जरा समझिए कि एग्जामिनर यानी पेपर जो सेट कर रहे हैं उनके सामने चैलेंज क्या है। उसी विषय से उतने ही कंटेंट से उनको क्वेश्चन बनाना है, और ऐसा बनाना है कुछ अलग। क्या अलग बनाएंगे बताइए? केस लॉ पे बेस्ड बहुत कर नहीं सकते अभी, जैसे कि जेस को कर दिए, तो बहुत चैलेंज आ रहा है क्वेश्चन फ्रेमिंग में। इस समय का ट्रेंड है कि क्वेश्चन ऐसी जगह से बना दे रहे हैं जिसको लेकर आप परेशान। आप देखिए 2003-2006 का पेपर देखिए, लगभग मिलता जुलता पेपर है तीनों साल, एक तरह का हर एक में रिलेवेंसी एडमिशनलिटी पूछा गया। इवन 2012 का पेपर भी लगभग मिलता जुलता है, 13 में चेंज कर।
Okay. The next is question number 7. क्या लिख रहे हैं? दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदा की शर्तों के खंडन करने के लिए या उनमें फेरफार करने या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए गए किसी मौखिक करार या कथन का साक्ष्य किन परिस्थितियों में अपवर्जित नहीं है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एविडेंस ऑफ एन ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms is not excusable. ये कहाँ का है? ये question किस section पर based है? 20 marks का है सत्यम। 92 पे सर। सत्यम? सर 91 या 92 से है सर। 92 से है सर। दो नहीं बताना, एक बताना। मेंस में जा रहे हैं आप लोग अंजुल। हाँ सर, सर यही वाला सर सेक्शन अभी तक सही से समझ में नहीं आया। 92 का एविडेंस का जो 92 का है कि नहीं है? क्या बात है, शिव सत्यम श्याम अंजुल ऐसा एकदम अल्फाबेट बहुत सही बैठ रहे हैं सर। दो ही अल्फाबेट में 5 नाम हो गए। हाँ शिव बताइए, श्याम ने सही बताया कि नहीं? Yes, you all are right. Shyam is very right. 92. अब लिखो भैया, श्याम पेट भर जाएगा 20 नंबर में। अरे हाँ सर, बहुत सारे। How many exceptions there? अच्छे। 6 अपवाद लिखो, और 6 अपवाद केवल अपवाद नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि धारा बांध में मुख्यतः क्या कह रही, फिर 6 अपवाद लिखिए। तो वहां जो टाइम बचा था यहाँ आप यूज कर लीजिए। So you have to write the 6 exceptions annexed with section 92 and one other section 99 that the provisions of section 92 are not applicable upon against any stranger who is not party of the contract. He can prove oral evidence even in the situation where it do not fall any of the exceptions provided mentioned annex to section 92 में, ध्यान समझिएगा, 92 में जो exceptions हैं, उन exceptional situation में तो party उसको use कर सकती है, oral varying को या agreement को subtracting etc. But other than party तो हमेशा oral को use कर सकती है। ये बात जान रहे हैं कि नहीं? तो 92 के साथ 99 जरूर जुड़ जाएगा। So exceptions, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं पूछ रहा है कि पार्टी कब यूज कर सकती है, यहां लिख रहा है कि कोई भी मौखिक साक्ष्य किसी लिखित संविदा का ये अधूरा लिखा है ना यहाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन आधा लिखा है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एविडेंस ऑफ एन ओरल एग्रीमेंट आर सेटलमेंट कंट्राडिक्टिंग वेरिंग डूइंग अ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स सब्सट्रैक्टिंग From its term, its का मतलब from terms of a written contract is not exclusive. ये लिखना चाहिए। Written contract यहाँ कहीं है ही नहीं, जो कि हिंदी में है, या गलत लिख दिया गया, किसी लेखबद्ध संविदा की शर्तों, ठीक है? तो किसी लेखबद्ध संविदा की शर्तों के बदलाव का मौखिक साक्ष्य पक्षकार नहीं दे सकते। The parties of the contract generally not allowed to produce an oral evidence of alteration in the terms of the written contract. But such rule is not applicable on a third person. So at any time, a third person, any stranger who is not party of the contract, here not party in the case, no, not of the contract, though he is party in the case, समझिएगा इस बात, मैं पक्षकार हूं, मैंने मैं संविदा का पक्षकार नहीं, मैं मुकदमा लाया, जो लिखित संविदा उसका उसमें मैं पार्टी नहीं हूं, लेकिन मुकदमे में मैं पार्टी हूं और मैं प्रूफ कर सकता हूं कि साहब इन लोगों ने मौखिक तौर से ये बदलाव किया, भले ही वो संविदा लिखित थी और उसके शर्तों में मौखिक बदलाव था। ये कहां से आएगा? 99 से। ये बात समझ में ना आ रही तो पूछिए।
व्हाट इज डिफरेंस, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप प्रश्न लिखिए, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन बना दीजिए. Set, the exceptions of section 6, the provisos of section 92. Okay. The six provisos of section 92. The six provisos of section 92 and section 99. Both are exception to the basic rule of section 92. Both all the six provisos one side and section 99. Both are exception to the rule laid down under section 92. Differentiate between the two. In dono mein antar batae. Describe the differences between the two. इन दोनों में अंतर बताएं. इस क्वेश्चन का जरा उत्तर दीजिए. तो इसमें हम आपको छह परंतु लिखने के लिए नहीं कह रहे. अभी देखिए क्वेश्चन लगो, बहुत गजब का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, हो सकता है कि आ जाए. इसमें आपको छह प्रोविजोज को, ऑल द सिक्स प्रोविजोज को एक तरफ रख दिया और सेक्शन 99 को एक तरफ रख दिया और फिर इनका कॉमनली कॉमन फीचर एक सा और इसका अलग, इन दोनों में अंतर लिखना. तो पहला अंतर होता है कि द प्रोविजोस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99 आर एक्सेप्शन बट ओनली कैन बी यूज बाय एन स्ट्रेंजर हु इज नॉट पार्टी ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट. जो उसका पक्षकार नहीं है, थर्ड पर्सन पे पर लागू नहीं. सो दिस एक्सेप्शन कांट बी क्लेम बाय एनी ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर ग्रांट ऑफ प्रॉपर्टी आर अदर काइंड ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी. तीन तरह के ट्रांजैक्शन है ना सेक्शन 92, उन तीनों में से किसी भी तरह का जो रिटर्न ट्रांजेक्शन किया गया रिटर्न फॉर्म में, उसके जो पार्टीज है उनके द्वारा इंजॉय नहीं कर सकता, सेक्शन 99 का एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकता. व्हाइल द प्रोविजो द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजोस आर अलाउड टू बी यूज्ड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट ऑफ प्रॉपर्टी और अदर काइंड ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी. तो द रिटन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा कर दीजिए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. तो जिन लोगों ने वो करार लिखित संविदा की थी वही लोग मौखिक साक्ष्य दे सकेंगे. कब जो छह परंतु, थर्ड पर्सन कभी भी दे सकता है. तो कभी भी दे सकने का मतलब है इन छह परंतु को भी दे सकता है, बाहर की व्यवस्था में. तो उसके लिए तो परंतु को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो 99 में चला गया, तो हमेशा ही कर ले. ओके, दूसरी बात है कि द सिक्स प्रोविजन provides the specific situations, different specific situations. Only in those situations, a party of written contradiction can give oral evidence of alteration in the written contract, but not otherwise. While no such specific situations have been provided as an exception in favor of strength. He is without any condition, unlimited. इसको बस यही दो अंतर लिखेंगे, प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा. वहां परंतु सारे लिखने की जरूरत ही नहीं. तो अब मैं फिर से अपने इस प्रश्न पर आ रहा हूं. यहां ये केवल 92 लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका अपवाद बताएं कि उसमें जो मौखिक बदलाव हुआ उसका साक्ष्य कब दिया जा सकता है. तो आप इसको दो फोल्ड में लिखिएगा. ओके, एडमिसिबिलिटी ऑफ सच ओरल एविडेंस
felt is produced by any of the party of such contract. Any of the party of the of such contract. उस संविदा के किसी पक्षकार के पक्ष में अपवाद मौखिक साक्ष्य के ग्राह्यता का नहीं. Here you have to describe proviso 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 92. Then again likhenge admissibility of such oral evidence when it is produced by any stranger, a person non who is not party of such contract, not party of such contract. Though that person may be party in the case, but not he is not party of the contract. वो संविदा का पक्षकार नहीं था. मुकदमा भले वो लेकर आया. आपके दिमाग में अगर नहीं पढ़े होंगे तो सवाल आएगा कि सर जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कैसे ला देगा कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हो जाए. बिल्कुल हो सकता है. पूछे कैसे? ए और बी में रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट कि वो उसके घर का किराया 20,000 रुपए महीना ए को देगा, फला अकाउंट में देगा, अकाउंट नंबर मेंशन. एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच. एक दिन ए बी और सी तीनों खड़े हैं. ए बी से बोलता है कि भाई देखिए सी से मैंने 20,000 रुपीज लिया है, इनको मुझे पे करना है, तो काइंडली इस मंथ जो है आप वो 20,000 जो मुझे रेंट के तौर पर देते हैं मत दीजिएगा, आप इनको दे दीजिएगा, सी को दे दीजिएगा. बी ने वो रेंट नहीं, वो पैसा नहीं दिया सी. हियर सी कैन क्लेम अगेंस्ट बी. अब बी वहां कहता है कि बट ये देखिए एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है रिटन, और रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आई हैव टू पे थ्रू द अकाउंट मेंशन्ड हियर. सी कहता है कि देयर वाज एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू, आई वाज देयर एंड आई एम अ विटनेस ऑफ सच एन एग्रीमेंट. सी बी कहता है बट इट वाज departure from the written contract. How it can be allowed here? C bolega, I am not party of the original contract. I don't know that whether you have made the contract in written or oral. I don't. You have agreed before me, in presence of me, to A that you would pay me 20,000 rupees. I am just witness of such kind of agreement. And I am allowed here to prove it. और उसको साबित कर लेगा. सो सेक्शन 99 क्या करती है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट का जो रिटन ही प्रूफ किया जाएगा उसको हटा देती है. किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन के हटा देती. थर्ड पर्सन से आप ये नहीं कर सकते कि वो तो हमने ओरिजिनल रिटन नहीं किया था तो डिपार्चर दे रिटन, ये नहीं, थर्ड पर्सन. ठीक है, तो यही है 99. तो अब यहां सूट के सिर्फ इसके बीच है बी और सी वर्सेस बी है. सी उसमें पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, मुकदमे में तो पार्टी है. तो आप ये नहीं कहेंगे कि हु इज नॉट पार्टी इन द केस. नो, हु इज नॉट पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन प्रूव ओरल डिपार्चर. क्लियर एकदम? तो ये एक्सेप्शन यहां आप सेक्शन 92 के 6 अखबार प्लस 99 दोनों लिखिए. अब आशा कहेंगे सर लिखवा दीजिए, तो मैं कहूंगा लिख लीजिए. लेट इट राइट डाउन ऑन सेक्शन 92, ऑन द फेस ऑफ 92, जस्ट ऑन द फेस ऑफ 92, द बैट. आप लिखिए द प्रोविजंस ऑफ द रूल ऑफ दिस सेक्शन डजंट अप्लाई अगेंस्ट एन स्ट्रेंजर डैश सेक्शन 99. बस इतना ही ना. तो इसके प्रोविजो केवल जो है पार्टीज पे लागू होंगे, पार्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन, और इसके प्रोविजो इसका न तो किसी प्रोविजो को लागू करना जरूरत है, किसी धारा को, थर्ड पर्सन के फेवर. ओके, क्लियर सत्यम? यू आर नोटेड? हाँ यस सर. अब आप लोग कहेंगे कि हम कैसे इसका नोट्स बनाए, विच इज अ चैलेंज बिफोर यू दैट हाउ टू मेक अ No. आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फ्रेम कर लीजिए हल्का हल्का छोटा छोटा,
92, the basic principle laid down in 92, classification of exceptions. There are two kinds of exceptions, under proviso and under section 92. 99, उसको फ्रेम कर लीजिए, फिर प्रोविजो को आप 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोविजो पूरा मत लिखिए, उसकी मोटी मोटी बात को लिख लीजिए। 99 इन फेवर ऑफ स्ट्रेंजर, चाहे तो एक उदाहरण लिख लीजिए जैसे मैंने बोला, 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इतना ही फ्रेम करके, इतने लंबे में फ्रेम कर लीजिए, एग्जाम में जाकर के उसको पूरा ओपन करके लिखिए। कभी भी एग्जैक्ट आंसर से नोट्स मत बनाइए, एग्जैक्ट आंसर हम ये नोट्स, क्योंकि फिर आप रिवाइज करेंगे तो आप रटने लगेंगे। समझ आ रही बात? यस सर। पीछे छोटे छोटे रखिए, हिंट के फॉर्म में नोट्स होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपको लाभ मिला होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि यूपीपीसीएसजे मेंस का जो स्पेशल बैच है वो आपके लिए कितना लाभदायक है। इवन जो लोग यूपी में, जो बिहार जे के लिए इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। महज 10,000 रुपये फीस है और इसमें पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। इसके लिए आप 8957568536 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यहां से नोट्स मंगवा सकते हैं और अन्य सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।